अब जो हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो हमारे सिंपल न्यूमेरिकल है ट्रांजिस्टर के उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक सिंपल जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह का हमारा हो सकता है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द पावर डिसिपेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो हमें कितनी जो पावर डिसिपेट हो रही है इस ट्रांजिस्टर के अंदर से वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो एक ट्रांजिस्टर है आपका, कभी भी उसके अंदर से जो आपकी पावर डिसिपेशन है जो अगर वो होती है, तो उसका जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है IC into VCE। अब ये IC into VCE आपका क्या है, ये आपका आउटपुट करंट और आपकी ये आउटपुट वोल्टेज होती है। तो अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें IC फाइंड आउट करना है या VC फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको VCC गिवन है 10 वोल्ट, आपको बीटा गिवन है और आपको जो आपकी बेस वोल्टेज है वो गिवन है। तो अभी हमारे पास IC है, तो IC निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता था, वो था IC = α IB। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, IB की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, IB की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इनपुट लूप पर जो हमारा KVL है उसको अप्लाई करके। तो अप्लाई KVL एट इनपुट लूप, तो उस पर अगर हम अप्लाई करें तो जो आपके पास यहां से जो आएगा VBB, अब आपके पास जो ये वोल्टेज होगी बेस और एमिटर टर्मिनल के अक्रॉस में, ये भी आपकी एक वोल्टेज होगी, तो ये क्या हो जाएगी VBE, और ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये आपका क्या है, RB रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इस वोल्टेज की बात करूं तो IB आपका करंट होगा और RB आपका रेजिस्टेंस, तो इतना ड्रॉप होगा = 0। अगर मैं यहाँ से जो आपका IB है उसकी वैल्यू को निकालूं, IB = आपका हो जाएगा यहाँ से VBB - VBE/RB। तो अब अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास 2 है और आपके पास जो VB है ये आपका, मान लो कि अगर आपका सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो आपका जो ड्रॉप है वो आपका 0.7 वोल्ट, और ये RB है इसकी वैल्यू आपको गिवन है वो है 1K ओम। तो 1K का अगर ये है तो आपके पास जो जो IB है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.13 mA। तो IB की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 0.13 mA। अब अगर हम यहाँ से IC कैलकुलेट करें तो वो आपके पास था बीटा 75 × 0.135 mA। तो IC की वैल्यू यहाँ से आपके पास आई है 9.75 mA। ये आपके पास IC की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी VC। VC आपकी क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ये आपकी VC है। अगर आपको VC की वैल्यू निकालनी है तो आपको जो KVL है वो आउटपुट लूप पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई KVL एट आउटपुट, तो आउटपुट लूप आपका क्या है, ये VCC - यहाँ पे क्या है आपका करंट IC फ्लो हो रहा है, तो IC, और ये आपका रेजिस्टेंस क्या था RC। और अब यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, ये आपका C है ये आपका E है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ VCE = 0। अगर मैं यहाँ से VC की बात करूँ तो VCE = आपके पास हो जाएगा VCC - IC RC। अभी अगर यहाँ से जो VCC है वो आपके पास गिवन है 10, और IC अभी आपने निकाला था 9.75
मिली एम्पियर, और ये आपके पास क्या है 1K, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.25 वोल्ट। VCE की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 0.25, तो ये आपके पास क्या हो गई VCE। अब अगर मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, PD इज इक्वल टू IC इंटू में VC। अब IC आपके पास था 9.75 इंटू में 0.25। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास आएगा ये आएगा मिली वॉट। तो जो पावर आपकी डिसिपेट हो रही है किसी ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में वो इतनी हो रही है। तो ये था इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या है कि इन्हें ट्रांजिस्टर IC एंड IB आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, फाइंड IE अल्फा बीटा एंड गामा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारे पास है IE। IE की अगर मैं बात करूं ये आपका होता है IC प्लस में IB। अब यहाँ पे जो IC है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 0.98 प्लस जो IB है 0.02 मिली एम्पियर। तो अगर यहाँ से मैं IE की बात करूँ, IE आपका आ गया 1 मिली एम्पियर। तो IE की वैल्यू आपके पास क्या आई 1 मिली एम्पियर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है फाइंड अल्फा। अब जो अल्फा है, अल्फा आपका क्या होता है, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन में आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, आउटपुट जो आपका आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट। तो आपका जो आउटपुट करंट होता है वो होता है उसमें IC, और जो आपका इनपुट करंट होता है वो होता है IE। IC आपके पास कितना है यहाँ पे, IC की वैल्यू आपके पास 0.98, और जो IE आपके पास अभी आपने निकाला था 1, तो अल्फा जो आपका आ गया वो आपके पास आ गया 0.98। आपने देखा भी था कि जो आपका अल्फा है उसकी वैल्यू जो है आपकी वो 1 से कम होती है, 0.95 to 0.98 होती है। ऐसे ही अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है बीटा। तो बीटा आपका क्या एम्पलीफिकेशन फैक्टर है इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें आपका जो क्या होता है आउटपुट करंट जो आपका होता है वो आपका IC होता है, और इनपुट करंट जो आपका होता है IB। अगर मैं बीटा की बात करूं तो IC आपके पास है 0.98 और IB आपके पास है यहाँ पे 0.02। अगर मैं यहां से जो है आपका बीटा की वैल्यू को अगर सोल्व करूं तो ये आपके पास आया 49। तो बीटा जो आपके पास सोल्व करने के बाद आया वो आया 49। अब जो थर्ड है उसमें आपको पूछा गया है गामा। अब हम लोग देख लेते हैं गामा आपका क्या होता है। गामा हम सिंपली जो हमारा अल्फा है उसका यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो गामा जो आपका होता था वो होता था 1 माइनस अल्फा। अभी हमने क्या था अल्फा की वैल्यू को निकाला था, तो 1, अब -1, अल्फा कितना आया था आपके पास, वो आया था 0.98। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आपके पास आएगा 1/0.02। ये आपको सोल्व करने के बाद आपके पास आया 50। तो गामा की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 50। तो इस तरह के जो आपके सिंपल न्यूमेरिकल हैं आपके ट्रांजिस्टर में वो होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जो हमारी अलग अलग बाइसिंग है उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, और उनके जो न्यूमेरिकल है वो भी हम साथ साथ में सोल्व करेंगे। थैंक यू।